नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। लगातार इस प्रकार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले मऊगंज जिले के नौढ़िया से इस प्रकार की तस्वीरें सामने आई थी, जहां दोबारा नवीन मऊगंज जिले के पहिल पार गांव से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां आज़ादी के 75 वर्ष बाद घर घर तिरंगा अभियान और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर 50 लोगों की हरिजन परिवार की बस्ती नरकीय जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो हालात दिख रहे हैं, ये कोई प्रकृति की वजह से नहीं है, इसे पैदा किया गया है। आपको बताएं कि ये सभी हरिजन परिवार के ज़्यादातर लोग हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो ये चारों तरफ से पानी भरा हुआ है, किसी जिनकी जमीन है उनके द्वारा एक गहरी खाई खुदा दी गई है, जिसके वजह से चारों तरफ से ये घर में कैद हो गए हैं। इसकी गुहार इन्होंने नई गढ़ी नायब तहसीलदार से भी लगाई, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तब आज मीडिया से अपनी आप बीती बताए और हम ग्राउंड जीरो में पहुंचकर इनसे बात कर रहे हैं, इनका पूरे मामले पर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मोतीलाल। क्या समस्या है? समस्या साहब, पानी भरा है, चारू कई खाई खुदवा दी नहीं, चारू कई पानी भरा है, 150-200 वर्ष से परेशान हैं। अभी लोग विमल कुमार जो उन्हें तक खाई खुदवाई के आओ परेशान कर दीन, और चारू कोई पानी भरा है। हम लोग इतना लड़का गदेला लागत थे डूब के मर जाई है, छोट छोट गदेला परेशान हन। तो ऐसे हम चाहे थे सर कि हमारे निवेदन सुना जाए और समाधान कुछ करा जाए। हम ऐसे आपसे क्षमा मांगी थे कि हमार कुछ विनती सुना जाए। ऐसे हम तहसीलदार साहब के गए, तहसीलदार साहब जो उन्हें इनकार कर दीन, और काल की बात है 8 तारीख के 7 तारीख के हैं, कल 7 तारीख का हम गए रहें तो तारीख रही है, वहूँ वहाँ इनकार कर दीन कि हम कुछ नहीं कह सकता है। ऐसे हम बहुत परेशान हन, हमार पूरी जनता 50 आदमी के उमा गेंग है और 50 आदमी परेशान हैं चारों तरफ से। खाई ये खाई किसके द्वारा खुदाई गई है? खाई विमल कुमार द्वारा खनाई गई है। विमल कुमार रहे और संजू रहे, संजू अच्छा। ये बताए, ये बताइए कि ये जो खाई खुदवाई गई है कितनी गहरी है? अब गहरी है मजे का साहब, बूढ़ जाओ माँ बूढ़ जाएंगे। घर के चारों तरफ से, चारों तरफ से खाई खुदवाई। कितने दिनों से ये पानी भरा हुआ है? पानी तो ये भर गया जब से बारिश शुरू है। आप लोग कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो हमारा जब आबा यहाँ बिता दीन, या अब हम लोग तो जो नाती बोता है। आपका क्या नाम है? राम अवतार। क्या समस्या है आपकी? समस्या सर जी है कि यहाँ पर JCB लेके खुदवा दिया विमल कुमार शुक्ला जी हैं, वो हाफ सेकेंडरी स्कूल भीर के मास्टर हैं, वो जो तो खुदवा दिए हैं पूरा JCB लेके घर के चारों तरफ से, 3 या 4 फीट गहराई खुदवाए हैं पूरा घर के चारों तरफ से। ये समस्या कर दिए जब से पानी भर गया, ताकि हमारी रास्ता थी पहले से, हमारी रास्ता अवरुद्ध करके और खुदवा दिए हैं, और कहते हैं कि हम भीर स्कूल के मास्टर हैं, हमारा क्या कर लोगी तुम हैं, कुछ नहीं कर सकते हो हम। आपका क्या नाम है? जी नाम क्या है? राम अवतार साकेत। आप बताएं सर, रास्ता नहीं है हम लोग को रेंगने के लिए। सर हमारा है कि रास्ता हमका अपना दे दी, हम पानी लोग, हम अक्का लोगन पानी की कमी है, हम 25 बम्बर से पानी ले आते हैं, इतने पानी से जई थे आई थे लड़के छोटे छोटे लड़का भूल जाओ है। हमका साहब यह है कि हमका रास्ता दे दीजिए। आज़ादी के 75 वर्ष बाद जब देश अमृत महोत्सव की ये तस्वीर और उत्सव मना रहा है, 15 अगस्त के शुभ अवसर पर घर घर तिरंगा झंडा लहराने का अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान के बीच मध्य प्रदेश से मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर सामने आई है, जहां मऊगंज नवीन जिले के पहिल पार गांव में हरिजन परिवार के घर के चारों तरफ से खाई खुदा दी गई है, जिसके वजह से ये नरकी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। ग्राम पंचायत पहल पर तहसील नई गढ़ी थाना नई गढ़ी। हम गिरिजा प्रसाद तना रामनाथ ब्राह्मण, उम्र 80 वर्ष। पानी भरा है, विमल कुमार खाई खुदाई के चारी कैसे पानी बंद कर दी, हमारे घर में पानी प्रवेश कर रहा है, इससे बहुत परेशान है। अब का कही, अभी बगल में हरिजन है वो परेशान है,
बनिया है सेठ वो परेशान है, अब रास्ता निकले के जगह नहीं आगे कहाँ रास्ता निकले के जगह हो कि हम मैदान के इन्होंने खाई क्यों खुदवा दी अब का बताई कि कहा खुदवा दी परेशान करे खातिर है कि मारा घर भीतर और आपने शिकायत की पूरे मामले के कहीं पर अभी इनका पता है तहसील में शिकायत कई आए हैं। आपकी उम्र कितनी है दादाजी? हमारा 80 वर्ष उम्र। तो ये हमारे साथ 80 वर्षीय बुजुर्ग थे जिन्होंने बताया कि खाई खुदवा देने की वजह से ये माहौल निर्मित हुआ है, जिसके वजह से आज हम लोग घर के अंदर कैद हो चुके हैं। हालात ये हैं, ये तस्वीरें दिखाइए घर के किनारे से जिस प्रकार से पानी भर चुका है, ऐसा लगता है कि अगर जल्द ही इस पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की जाएगी तो आने वाले समय में ये घर भी गिर सकते हैं। हम ऐसे कुछ और लोगों से बात करेंगे जो इस गहरे पानी में, आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ किनारे में खड़े हैं, अगर कुछ आगे और जाएं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जा नहीं सकते, इतना पानी है कि ये डूब भी सकते हैं। हमारे साथ ये महिला यहाँ पर उपस्थित हैं। माता जी आप यहाँ पर आई हुई हैं, क्या समस्या है आपकी? समस्या दादू बहुत ही है जी। अब मान ली कि कहाँ से निकली और कहाँ से जाइए, अब ऐसा नहीं कि कैसी से खाई खोदे हैं माता तोरे काका कल्लू हमारे बाँधे कैसी विमल कुमार बाँधे और जाए तो बीच में हम अब कहाँ जाइए, अब बताइए अब बना अब हमारा लड़का बच्चा नहीं आए बूढ़ी बूढ़ा हैं अब यही मर जाइए। क्या माफ करना चाहती हैं आप मऊगंज के कलेक्टर साहब से और यहाँ के जो जिम्मेदार हैं? तो आपने सुना इन्होंने सिर्फ मांग की है कि हमें रास्ता मिल जाए और पानी की समुचित निकासी हो जाए। हमारे साथ हरिजन परिवार के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ महिलाएं हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? स्कूल जाते हो आप? इसी पानी से जाते हो? पहुंच जाते हो स्कूल प्रतिदिन? ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इसी पानी से निकलकर ये प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। आपने इनकी बातें सुनी, हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या कहेंगी आप, किस प्रकार से लाडली बहना मिलता है आपको? ये मध्य प्रदेश की लाडली बहने हमारे साथ हैं, लाडली बहना मिलता है आपको? जब पानी और क्या क्या सुविधा है? पानी हुआ ये हमारे डूब जाए से पानी के विषय में क्या मर जाए ये पानी कब से भरा हुआ है? अरे महीने भैया से माने बरसात आई पानी तो बहुत है, केवल पानी ही पानी है चारों तरफ, लेकिन जिस पानी की इन्हें आवश्यकता है पीने के लिए शुद्ध पेयजल, दूर जाना पड़ता है और इस गंदे पानी से गुजर कर इनको जाना पड़ता है। ये वो रास्ता है, आप इनके घर की वो तस्वीरें दिखाइए जहाँ से इनका घर है और ये निकल तक मुख्य सड़क तक जाते हैं और फिर पानी के लिए शुद्ध पेयजल लेते हैं। ये वो रास्ता है, आप देख सकते हैं ऊपर तार है, ये खंभे हैं और इस खतरे के दौर से प्रतिदिन इनको गुजर कर जाना पड़ता है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये जो इनका घर दिख रहा है इसके चारों तरफ एक गहरी खाई खोद दी गई है लगभग 5 फीट की, जिसमें अगर कोई बच्चा या कोई जवान या कोई गिर जाए तो डूबकर उसकी मौत भी हो सकती है। हमारे साथ इस जगह में कुछ और अन्य लोग भी मौजूद हैं, हम भी इस पानी के सहारे उनके तक पहुंचकर ये पानी में खड़े होकर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, केवल अपनी पीड़ा सरकार को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है सरकार को समझ में आए कि इन्हें वास्तविक में समस्या है और इनका समाधान किया जाए। तो आप इस पानी में खड़े होकर क्या कहना चाहते हैं? सर जी ये कहना चाहते हैं, ये जो विमल कुमार शुक्ला जी हैं, इन्होंने भीर स्कूल के मास्टर हैं, इन्होंने कहते हैं कि हम चारों तरफ हमारे तरफ घर में खाई खुदवा के जैसी भी से और बोलते हैं कि हम चारों तरफ घर से खाई खुदवा के भर देंगे पानी, साले मार डालेंगे, हमारे यहाँ से निकल जाओ, हमारी जमीन है, हमारे जमीन से निकल, हमारी जमीन से और भीर हर सेकेंडरी स्कूल के मास्टर हैं। तो एक और बड़ा खुलासा करते हुए इन्होंने बताया कि जिन्होंने इस पूरे मामले को क्रिएट किया है, इतनी बड़ी स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई है, वो एक गवर्नमेंट शिक्षक हैं और नई गढ़ी जन शिक्षा केंद्र के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भीर में शिक्षक हैं
आप देख सकते हैं एक गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी के द्वारा इस तरीके से गरीबों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ पूरे मामले पर मौके स्थल पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी पहुंच चुके हैं। लगातार गरीबों के हित में और सत्य के लिए काम करने वाले, जहां भी अन्याय और अत्याचार होता है अक्सर आप ये चेहरा देखते होंगे। आज हमारे साथ इस जगह भी वो पहुंच चुके हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। पूरे मामले पर आप आए हुए हैं, क्या स्थिति है यहाँ की? जैसा कि आप देख रहे हैं और जिस दिन से गढ़ की घटना हुई है और एक इसमें सागर जिले में, उसके बाद से चाहे पंचायत हो, जनपद हो और जो भी हो, लगातार कल सीएम साहब ने जनपद के अध्यक्षों को की और सबकी डीसी ली, पंचायत मंत्री ने ली, पूरे गांव से सरपंच साहब भी लिस्ट बना के साथ भेजे होंगे, जहां एक तरफ ये प्रयास किया जा रहा है कि कोई दुर्घटना ना होने पाए, उस तरह से नई गढ़ी जनपद का ही पहल पार का ही पंचायत है, सरपंच साहब भी खड़े हैं। एक पंडित जी ने थोड़ा भी नहीं राम किया, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और बाकी बाड़ वाड़ बना के लोग कैद करते थे पानी, कोई निकासी रोक के, और ऐसा कर दिया गया है कि जिससे इनके घर गिर जाएं, ये सब मर जाएं। इनको आज इस बरसात में निकालना चाहते हैं, ये निकले नहीं। हमारे बाप दादा की या उनके बाप दादा की ज़रूरत थी घरों में काम कराने की, खेती की काम कराने के लिए, उस समय इनको एक तरह से हम कहें बधुआ मजदूर बनाए रहे होंगे, और आज अब ये कहाँ जाएंगे इन बच्चों को लेके? अभी कलेक्टर साहब मीटिंग में, एसपी साहब से बात हुई है, तहसीलदार साहब दीपक तिवारी साहब से बात हुई हो, रीवा मीटिंग में थे, थानेदार टीआई साहब नईगढ़ी से वो सब आ रहे हैं, और तत्काल ही आधे घंटे के अंदर जल निकासी की व्यवस्था होगी, और जो इस तरह का किया है उनसे भी मिलते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरह से एक दीवार गिरने से दो निरपराध नामदेव जेल में हैं, जिनके ऊपर हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज हुआ है। तो शुक्ला जी भी समझ लें कि अगर एक इन छोटे बच्चों के साथ किसी तरह की अप्रिय घटना हुई तो उनके ऊपर सीधे सीधे 302 का मुकदमा दर्ज होगा, उनको शायद पता नहीं है। और ये देश कानून का देश है, सबके लिए न्याय है, संवैधानिक देश है, सभी को जीने का अधिकार है, और ये भी जिएंगे, ऐसा नहीं है कि वो बांध दिए हैं तो ये ख़त्म हो जाएंगे। और फिर यही बस नहीं है, बगल में उनके भी लोग हैं, सभी है, और पानी और रोड तो किसी न किसी के पिताजी की जमीन से निकलती है। आपने एक राहत भरी बात बताई है कि प्रशासनिक अधिकारियों से पूरे मामले पर हमने बात की है, जल्द ही कुछ ही मिनटों बाद लगभग एक घंटे के अंदर यहां पर वो पहुंचकर समुचित व्यवस्था करवाएंगे और यहां से इनकी जल निकासी होगी और इन्हें राहत मिलेगी। हमारे साथ यहाँ पर ग्राम पंचायत के जिम्मेदार पद पर पदस्थ ग्राम पंचायत के सरपंच सुधाकर द्विवेदी जी, यहाँ पर सरपंच पति प्रतिनिधि कहे सुधाकर द्विवेदी जी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आप आए हुए हैं, क्या कहेंगे पूरे मामले पर? पूरे मामला में है, यहाँ पानी भरा है, लोगों को रास्ता नहीं है, सब परेशान है, बेचारे शुक्ला जी भी परेशान है, ऐसा नहीं है साकेत गुप्ता जी भी परेशान है, लेकिन उनसे कहा गया वो बोले नहीं आज। आपने उनसे बात की? हम बात कर चुके हैं, दो बार बात कर, क्या कहना था? वो बोले मैं अपनी लगाया हूँ, मैं नहीं खोलूंगा। तो ये खुद की जमीन है, मैं लगाया हूँ, मैं नहीं खोलूंगा। लेकिन एक बड़ी बात जो निकल कर आई कि शुक्ला जी जिन्होंने पूरे इस मामले को क्रिएट किया है नाली बनवाकर, वो एक गवर्नमेंट शिक्षक भी हैं, और गवर्नमेंट शिक्षक होने के बाद इस तरीके की क्रिएट कितना सही है? जब तक आप देखते रहिए विंध्य टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।